ये ओ आ ये देखन तो ये प्रभुंकर ये होचंती मदन वर्तमान विराजमान कले तंकर प्रतिनिधि माने जिवे आ वर्तमान आमे टिके कुनी प्रवचक महोदय को अनुरोध करिवे से दर्शन करचे महाप्रभु सी माने मणिमाकर बडवाड़ सामंत को जो चलंती प्रतिमा रही अछंती ये रामकृष्ण सम भगवान रघुनाथ लीलांग बुद्ध श्याम मलकोमलांगम सीता समार पीत वाम भागम पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं ये हुच पवित्र महाप्रभु रघुनाथ एवं भगवान कृष्ण आउ वर्तमान तांकर पहंडी आरंभ होई छंती ये वर्तमान पहंडी के मध्ये देखा गलेनी मदन मोहन निश्चित भाव आपणकर देखिबे ये यात्राटा गुटे ओलोटा यात्रा अर्थात जो दिन गुंडीचा गुंडीचा श्री गुंडीचा आसी आपणकर जो दिन गुंडीचा आरंभ होला यात्रा से दिन भगवान आसीले आगरे पछरे आसीले प्रतिनिधि मदन मोहन किंतु बाहुडा यात्रा दिन मध्य हां बाहुडा यात्रा मान दिन मध्य मणिमा एवं चतुर्धा मूर्ति सिजुआसी रथ ऊपर विराजमान करि सारीबा परे तापर जे कि चलंती प्रतिमा से विराजमान किंतु आज ता ओलोटा आज ओलोटा आज ओलोटा माने कोन आज तांगो प्रतिनिधि मदन मोहन आपणंकर मदन मोहन के जो जगन्नाथंग प्रतिनिधि होचनी मदन मोहन एवं रामकृष्ण जे बलभद्र से माने आग बाहुड़े महाजन पुष्पालक महाजन ए देखंतु ए होचंदी मदन मोहन पुष्पर किरीटी सुंदर भाव सुदृश्यवान होचंदी न मद न मोह देखी देले मनीष मन भितरे आउ मद नाही मोह नाही कामना बासना किछि नाही ए होची प्रभुंकर प्रतिनिधि आज महाजन सेवक माने प्रभु को कोळेई काखी तांका प्रतिनिधि कि नउचंदी कुनी प्रवचक महोदय आज मदन मोहन वर्तमान पहंडी आरंभ होचंती आउरी मध्य डॉक्टर गणेश्वर साई महोदय आपन को आ गोटे कथा मध्य ए दास कहि रखुची जो आप गुंडी यात्रा कथा मध्य जो कहले बाहुड़ा यात्रा कथा मध्य जो कहले आ विराजमान मानते प्रथम आ सीधी विराजमान होते मदन मोहन विराजमान होते आज ये दक्षिण गुरु को विजय करेंगे किए मदन मदन दक्षिण गुरु को आज विजय करेंगे तो दृश्यमान हो कलाग्रत कर आज हूँ तो नीलाद्री विजय ये साधारण भाव में बर्तमान पड़े दक्षिण गुरु भितर दक्षिण घर हूँ प्रभुंकर प्रतिनिधि घर आउ दक्षिण घरे आपड़ ये आउ जो गोटे घर अच्छी आपण मैंने जानले खुशी हे जो दक्षिण घर से घरे भगवान जगन्नाथ चतुर्थी होम होता जो दिन आपणकर ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष एकादशी दिन जोटा हूँ रुंकुणी हरण एकादशी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी जो चतुर्दशी होता से चतुर्दशी दिन दक्षिण घरे ही प्रभुंकर चतुर्थी देखते वर्तमान आलोक प्रयोग कर आश्चर्य कथा वर्तमान तो दिन अच्छी मान विशेषकर बेस रात आरंभ होना ये कौन आलोक आसना पूर्व समय रात अनुषित होता ये कम बा पहंडी अनुष्ठित होता ये से मानने मानने आलोक व्यवस्था खूब कम थिला से परंपरा को सम्मान जाए दिहुड़ी जलाऊ जला जाऊँगी परंपरा उपर आपण मैंने देखुं चारमा दंडायमान होती मदन मोहन ये मदन मोहन किए तीन देवता सम्मिलित विग्रह होती मदन मोहन किए किए देवता कपाल रामचंद्रस्य नृसिंह भीषणं मुख पुरुषरबांग कृष्ण रूपं च तारक ब्रह्म लक्षण ए जो मदन मोहन आंकर कपाल होचंती राम श्रीराम एवं आंकर मुख होचंती श्री नृसिंह भगवान नृसिंह उग्र वीर महाविष्णु सर्वतः एवं तांका शरीरटा होची सर्वांग कृष्ण रूपं च तारक ब्रह्म लक्षण वर्तमान स्वायत्त मान मदन मोहन को आज्ञा नहीं कि जाऊँच साधारण भाव जीवे बलभद्र साधारण भाव विशेषकर किसी पड़ोनी सुभद्रा जीवे कितु शेष रही किए जगन्नाथ सीए माँ लक्ष्मी को लेकिन आने बोली माँ लक्ष्मी को मानभंजन करेंगे तापर जाए भितर को जीवे आपण मैंने देखुं चलचंचल दिग्वे बर्तमान निपर बर्तमान मठर महंत मान मठर मठाधीश मान ये पहंडीरा गुड़ को चामर सेवा कर आलोट सेवा करके सुंदर भाव में आज्ञा इतिहास कथा कुवरण को सुंदर भाव तनु शोभा देखी मोह हुए तनु सजनी गो
ହୋଇଦେଇ ଭୁଲ ଧନୁ ସଜନୀ। ଏ ହେଉଛି ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା। କି ସୁନ୍ଦର ନେତ୍ର ଛଟା ଯୁବା ମନ ଧରା ବନିଶୀ କଣ୍ଟା ସଜନୀ ଗୋ ସତୀଙ୍କି କରେ କୁଳଟା ସଜନୀ ଗୋ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କାନ୍ତ କମନୀୟ ନମନୀୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରମଣୀୟ ରୂପ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ରୂପକୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ଘରେ ବସି ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଇଏ ମଦନ ମୋହନ ସେଇ ମଦନ ମୋହନ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରୁ ମଦନ ମୋହନ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଜି ଆଗ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ତାପରେ ପ୍ରତିଭୂମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସକଳ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଭୂ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ, ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ମଣିମା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପହଣ୍ଡିକୁ ଏମାନଙ୍କ ପଦପାତ କରି ଯେଉଁ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଯେ ସିଏ ଆଜି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରଦାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେବା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଚାଲି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଧନୁ ମାରିବାକୁ ରଖି ଅଛି ଅତନୁ ସଜନୀ ଗୋ ନାରୀ ମୃଗୀ ବଜବନୁ ସଜନୀ ଗୋ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଗଲେଣି ପତିତ ପାବନ ଭଗବାନ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ବାନା ପତିତ ପାବନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ବାନା ପତିତ ପାବନ ଜାନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପତିତ ପାବନ ବାନା ପତିତ ପାବନ ଜାନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାନାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି, ନେତଙ୍କ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ, ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ। ଆମର ଯାହାକି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଗଣେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା, ତ କଳ୍ପବଟ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବଟପତିତ ପାବନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଟପତିତ ପାବନ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କଳ୍ପବଟ ପାଖରେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦନ ମୋହନ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିସାରିଲେଣି।